अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। आज 15 अगस्त है। 15 अगस्त को वतन हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है। सबसे पहले तमाम बरादरान वतन को, दोस्तों अहिब्बा को जश्न यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला से दुआ है मेरा मुल्क, मेरी रियासत इसी तरह खुशहाल रहे, सदा तरक्की करती रहे। इसलिए कि मेरा मुल्क है, मेरी रियासत है तो मैं हूँ, मुझसे मुल्क है और मुल्क से मैं हूँ। आज के मौके पर मेरा सवाल है तमाम बरादरान वतन से, क्या आप दिल पर हाथ रख के बताएं, क्या आप आज़ाद हैं? क्या आप आज़ाद हैं? मुल्क के हालात जिस तरफ जा रहे हैं, बड़ी हिम्मत से मैं ये बात कह रहा हूँ कि आज वतन हिंदुस्तान की सरजमीन आज़ाद है, लेकिन यहाँ के लोगों की सोच आज़ाद नहीं है। हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है और इस गुलदस्ते को बनाया है हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे आबो अजदाद ने। इस मुल्क में तमाम मज़ाहिब, तमाम मसालिक के लोग रहते हैं और सदियों से रह रहे हैं, इत्तेहाद के साथ, इत्तेफाक के साथ। लेकिन जिन हालात से मैं और आप गुजर रहे हैं, कुछ शरपसंद अनासिर हैं जो इस इत्तेहाद को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आज दुख से कहना ये पड़ता है कि आज हिंदुस्तान के रहने वालों की सोच आज़ाद नहीं है। यहाँ पर मजहबी टकराव है, मजहबी जंग है, मजहबी तसादुम है। मैं और आप आज़ाद तब होंगे जब मेरी और आपकी सोच आज़ाद होगी। हिंदुस्तान का आईन हर एक को इस मुल्क में रहने की इजाज़त देता है, हर एक को अपने मजहब पर, अपने मसलक पर पूरा अमल पैरा होने की इजाज़त देता है। हिंदुस्तान का आईन किसी भी मजहब को नीचा नहीं दिखाता, बल्कि हर मजहब को, हर मसलक को आईन ने एक मकाम दिया है। लेकिन हम देख रहे हैं कुछ अरसों से आईन को कुचला जा रहा है, आईन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, मंदिरों और मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है और बिलखुसूस कई ऐसी रियासतें हैं जहाँ पर मुसलमान, जहाँ पर अकलियत के शिकार हैं, उनके साथ जुल्म और ज्यादती हो रही है, बेगुनाह मारा जा रहा है। मुसलमान को इस मुल्क का गद्दार बनाया जा रहा है। याद रखिए, हम इस मुल्क के रहने वाले हैं, इस मुल्क से मोहब्बत करने वाले हैं, ये मुल्क हमारा है। मुतमईन हूँ कि मुझे याद रखेगी दुनिया, मुतमईन हूँ कि मुझे याद रखेगी दुनिया, जब भी इस शहर की तारीखें वफा लिखेगी। मेरा मातम इसी चुपचाप फिजा में होगा, मेरा नोहा इन्हीं गलियों की हवा लिखेगी। इस मुल्क को हमारे आबो अजदाद ने बनाया है कि जब गुलिस्तां को खून की ज़रूरत पड़ी, सबसे पहले हमारी ही गर्दन कटी। जब गुलिस्तां को खून की ज़रूरत पड़ी, सबसे पहले हमारी ही गर्दन कटी। आज कहते हैं ये अहले चमन, ये चमन है हमारा, तुम्हारा नहीं। आज के इस मौके पर मैं तमाम मुहिब्बान वतन को मोहब्बत का पैगाम देता हूँ, इत्तेहाद का पैगाम देता हूँ, सलामती का पैगाम देता हूँ। हर एक को अपने मजहब पर फुल चलने की इजाज़त है। हमारा फंडामेंटल राइट है कि हम अपने मजहब पर और अपने मसलक पर चलें। इस मुल्क को मैंने और आपने लेकर चलना है। इंशाल्लाह ये मुल्क रहेगा, मैं रहूँगा और आप रहेंगे, हम रहेंगे तो ये मुल्क रहेगा। लिहाजा अल्लाह ताला से आखिर में यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह इस मुल्क को, इस रियासत को और बिलखुसूस रियासत जम्मू कश्मीर, कश्मीर जिसको जन्नत का अक्स कहा गया,
अल्लाह सलामत रखे, खुशहाल रखे, आबाद रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।